हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है हमारी तिरंगा पालक पनीर। ये पालक पनीर जो है बिल्कुल न्यू रेसिपी है, कहीं पे भी यूट्यूब पे सेम रेसिपी नहीं है। ये तो लेयर्स में बनाएंगे आज पालक पनीर, और बिल्कुल अलग टेस्ट इसका निकल के आता है। बहुत यूनिक रेसिपी है ये। तो सबसे पहले जो है पालक ले ली है मैंने, उसके साथ अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च सबको एक साथ ही उबाल लेंगे हम। थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा लौंग, थोड़े खड़े मसाले भी डाल देंगे, तो पालक का जो एक पेस्ट बनेगा, इसमें हम तीन अलग अलग पेस्ट तैयार करेंगे। एक पेस्ट जो बॉटम लेयर में जाएगा वो पालक का पेस्ट जाएगा, उसके बाद मसाले का पेस्ट, और उसके बाद बीच में लेयर आएगी पनीर की। तो देखते हैं कैसे कैसे इसके स्टेप्स तैयार करते हैं। तो सबसे पहले पालक की, जो पालक में भी खड़े मसाले का अलग से फ्लेवर आएगा, इसके लिए हमने बीच में खड़े मसाले डाल दिए हैं। दालचीनी है, लौंग है, साबुत काली मिर्च, साबुत जो है इलायची है, साबुत काली मिर्च भी डाली है। तो इसको बॉयल कर लेंगे अच्छे से, और कलर जो है वो ग्रीन पालक का बना रहे, तो इसको बॉयल करते ही पानी जो है उतना ही वैसे मैंने डाला है कि अब्जॉर्ब हो जाए। अब पूरे मटेरियल को हमने बीट कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। ये जो दूसरा मसाला जो लेयर वाला आएगा, उसके लिए प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च का अलग अलग मटेरियल तैयार करेंगे। तो पैन में ऑयल लेते हैं, ऑयल थोड़ा ही गर्म होता है, जीरा डाल देंगे इसमें। जीरा डालने के बाद ये जो रेसिपी है बहुत, इसका टेस्ट जो है अगर मिक्स करके पालक और पनीर को बनाते हैं उससे बिल्कुल अलग आता है। तो जरूर ट्राई करें ये रेसिपी। अब पालक का जो पेस्ट है वो डाल दिया है मैंने, तो पालक में ऑलरेडी प्याज अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ है, खड़े मसाले हैं। तो इसमें सिर्फ हम जो है कुछ ज़्यादा ना ऐड करते हुए नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा धनिया पाउडर, जो धनिया पाउडर है साबुत, बस वो ही ऐड करेंगे, ज़्यादा मसाले नहीं। थोड़ा अगर फ्लेवर आप पसंद करते हो तो मसाला मैजिक भी डालती हूँ मैंने। तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे पालक को, जब तक उसमें से पानी जो है वो सारा रिड्यूस हो जाए। तो इसको ढक के पकाएंगे, क्योंकि पालक जो है वो बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के सारी गैस और वगैरह भर देती है। तो इसका टिक यही है कि इसमें अब हम नमक डाल रहे हैं, नमक डाल देंगे। तो इसके पालक में थोड़ा नमक जो है खुद का कंटेंट होता है, तो थोड़ा ध्यान से डलेगा। इसमें लाल मिर्च डलेगी और हरा धनिया पाउडर। बहुत सिंपल सा पालक का पेस्ट बनेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी खड़े मसाले हैं, तो एडिशनल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सुखा लेंगे इसके पानी को। अब वही पैन जो है मैंने ले लिया है, उसमें अब अदरक लहसुन डाल के इसको थोड़ा भून लेंगे पहले, ताकि कच्चापन जो है वो निकल जाए उसका। उसके बाद प्याज जो है वो भून लेंगे इसमें डाल के। पैन जो है वो सेम ही ले लिया था मैंने, तो थोड़ा उसमें जो पालक का लगा हुआ था उसके कारण थोड़ी जो है इससे कलर दिखाई नहीं दे रहा, बट ये कलर बहुत, दो तीन कलर वाली लेयरिंग बहुत अच्छी, मसाला बहुत चटपटा बन के तैयार हुआ था। तो इसको अच्छे से हिला लेंगे प्याज को। अच्छे से हिलाने के बाद गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे थोड़े से प्याज, तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। प्याज भून जाने के बाद पहले नहीं, एक साथ नहीं ऐड करेंगे, अब ऐड करेंगे टमाटर। मसाले को हिलाते हुए अच्छे से चलाते रहेंगे, पूरा मसाला भून के तैयार हो जाएगा। तो ये जो एक लेयर इसी की लगाएंगे, तो हम पालक पनीर को मिक्स नहीं करेंगे कि पालक में तड़का लगा के पनीर बीच में डिप कर लिया। उसका वो भी सब्जी ट्राई करी थी, उसकी जो टेस्ट है और ये लेयरिंग वाला जो टेस्ट है बिल्कुल अलग आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सब्जी का। विंटर्स में स्पेशल बनाएं और ट्राई करें। अब इसमें नमक मिर्च, वही सिंपल मसाले, और थोड़ा सा मसाला मैजिक डाला है, क्योंकि ये मसाला जो है वो थोड़ा चटपटा बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, इसकी लेयर अलग से निकल के आती है। तो ये मसाला भी तैयार हो गया हमारा, दोनों मसाले जो, एक पालक का जो है वो लेयर तैयार हो गई, और दूसरा हमारा जो है चटपटा मसाला। तो अब हम लेते हैं एक पैन, जो कांच का पैन लिया है, सी थ्रू है ये, ग्लास में किसी भी बाउल में लगा सकते हो। जो बॉटम लेयर है वो पालक की लेयर है, सिंपल पालक की एक लेयर लगाई है। सेंटर वाली लेयर में पनीर को कट करके, इस तरह बड़े बड़े क्यूब्स में कट करके, और पूरी एक लेयर जो है वो पनीर की जाएगी। तो पनीर को एक लेयर में लगा देंगे इस तरह से, पूरी पालक को कवर करते हुए इसको हम लगा देंगे बीच में, पनीर के क्यूब्स कट करके, बड़े बड़े पीसेस कट, ट्रायंगल में कट कर सकते हो, स्क्वायर में कट कर सकते हो, जैसे भी। और जो टॉप लेयर जाएगी वो हमारे उस मसाले, प्याज और टमाटर का जो मसाला है चटपटा, उसकी लेयर लगाएंगे। तो टॉप लेयर पे ये आएगा,
तो ये तीन रंगों वाला ट्रिपल शेडेड ग्रीन व्हाइट और रेड बहुत अच्छा टेस्ट देता है देखने में भी, और ऊपर से फ्रेश क्रीम को बीट किया है मैंने, घर की जो ताजी मलाई होती है, आप हैवी क्रीम भी डाल सकते हो और ग्रेट करके चीज या पनीर भी डाल सकते हो। सुपर टेस्टी और बहुत डिलीशियस रेसिपी है ये पालक पनीर की, बिल्कुल हटके और अलग रेसिपी है। मैंने खुद ट्राई किया है कि यूट्यूब पे कहीं भी ये वाली यूनिक रेसिपी है, सेम रेसिपी कहीं पे भी नहीं है। कुछ अलग अलग तरीके से बने हुए बहुत तरह से पालक पनीर है और टेस्ट जो है इसका सुपर औसम, बहुत ज्यादा टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई थी। अभी हम इसकी लेयर उठा के देखेंगे, तो इसको जैसे सर्व भी करना है तो तीनों लेयर एक साथ निकल के आती हैं इसकी, और बहुत अच्छा टेस्ट देती है ये सब्जी, सुपर टेस्टी और डिलीशियस सब्जी है ये। बाय बाय।